बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो एक रेसिपी के लिए पीनट बटर की ज़रूरत थी, बाज़ार गया तो बहुत महंगा था, तो सोचा क्यों ना आज आपको भी आसान सा एक नुस्खा बता दिया जाए और ख़ुद भी इसको इस्तेमाल कर लिया जाए। इनफैक्ट मुझे 65 ग्राम्स टू 100 ग्राम्स पीनट बटर चाहिए, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं इतना कॉस्टली पीनट बटर ख़रीदता पैक्ड और ब्रांडेड। तो आइए इसको घर में ही बना लेते हैं। पीनट्स ले लें आप एक कप या जितनी भी आपको ज़रूरत है, उनके हम छिलके उतार लेते हैं और उसके बाद ये वाले छिलके भी उतारने हैं हमने, ये वाले बड़े आराम से उतार आते हैं। तो आइए इनको उतार लेते हैं। इनको एक कपड़े में डालते हैं और इसको करते हैं फोल्ड और हल्का सा इसके ऊपर हाथ फेरेंगे तो ये सारे छिलके उतर जाएंगे। ये तो व्यूअर्स इसको डालते हैं एक मिक्सर ब्लेंडर में, ये तकरीबन 100 ग्राम्स है। इसको एक दफ़ा मैंने चला लिया, इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून आपने नमक ऐड कर देना है। फिर इसको चलाएंगे जब तक ये पेस्ट की शक्ल ना तैयार करें, कॉइल निकलना शुरू हो जाएगा साथ ही। जी तो व्यूअर्स आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह से हमारा बी पीनट बटर बन के तैयार हो जाता है, ज़बरदस्त क्रीमी। और ये आप समझ लें कि एक मिनट दो मिनट लगते हैं इसको बनाते हुए और ज़बरदस्त ये क्रीमी सा बटर आपके लिए सामने ये तैयार है। क्वांटिटी बहुत मामूली सी कम हुई है, ज़ाहिर है वो मशीन के साथ लगी होगी या इधर उधर चम्मच के साथ लगी होगी, तो क्वांटिटी इतनी तो कम होनी थी। तकरीबन 10 ग्राम क्वांटिटी हमारी कम हुई है और इतनी ही मुझे अब क्वांटिटी चाहिए थी। तो अब आप हमारी रेसिपी का इंतज़ार कीजिएगा, मिलते हैं रेसिपी के अंदर।